तो इंसानों की कहानी है, उनके बीच के बदले की कहानी है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उनको थोड़ा कुछ उकसाती हैं, कुछ यू नो दे cause them to collide and they also I guess in some way join them. इसके पहले जो तीन पिक्चरें की है मैंने, there's an extension of me in that. वो मैं हूँ कहीं ना कहीं, वो वरुण था जब वो 16 साल का था या 18 साल का था या 20 21 जो भी है. इस फिल्म में इट्स समथिंग दैट आई कुड बी वेन आई बिकम अ फादर. देर आर इमोशंस दैट आई हैवन एक्सपीरियंस्ड एज एट, बट देर आर इमोशंस दैट मैं कभी सोचता हूँ कि हाँ शायद मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं ऐसे रिएक्ट करता. मैंने कोशिश की अपने आप को उस जगह में डालने की, और मतलब मैं टूट जाता था ऐसे सोच सोच के कि एक आदमी इस जर्नी में जाता है तो कैसे होता. सो दिस इज़ अ टोटल पीस ऑफ आर्ट. इट्स फुल क्रिएटिविटी. आई थिंक श्रीराम ने बहुत अच्छी तरह मेरे कैरेक्टर को बनाया है. उन्होंने पूरी तरह ग्राफ किया मेरे लिए और बोला कि लिव दिस, फील दिस, ये डू. तो आई डिड सफ़र अलॉट वाइल डूइंग दिस फिल्म, 100%. एकांत से बहुत मज़ा आया करते हुए, काफ़ी सफरिंग हुई. बट जब मैं ये देखता हूँ, जब मैं टीज़र देखता हूँ और जब लोगों से सुनता हूँ कि क्या मतलब मुझे नवाज़ के साथ काम करने को मिला, मतलब हुमा के साथ, इतने अच्छे एक्टर के साथ, तो ये एक्सपीरियंस मिले, मतलब इट्स अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस. आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स.